अपना चैनल सैन मैडलिप सब्सक्राइब करा। महाराज कोई रिश्ता रुश्ता भी अंदा के इंगे मुंह में चक्की आई जाओ। अंदा महाराज अंदा रिश्ता आहा लेता रिश्ते अंदी बड़ी लंबी लाइन है। महाराज जी तो दक्षिणिया को गया रिश्ता अंदा कि मोर्त मोर्त निकाल ना रिश्ते दसने ताए। देखो ही गल नहीं है जी। कोई गल नहीं तक दे गल फिरी ब्यागा ते आई की बैठे तू है ब्यागला ब्रेकफास्ट करी लिया दोपहर का लंच करी लिया है जा रुपये की दक्षिणा भी ले ली हूं क्या करना विरात का खाना भी काई की जाना तुआ। अरे तू हाँ इतनी जिद करा कर देता रात का खाना भी इतना ही खाई लेंगा। पंडित जी उन्हें तो कुछ नहीं मिलना फटाफट रिश्ता दसा कल चल दे बना इतने तू अंजे गुस्से हो जा कर दे मेहमान तो भगवान दे समान होंदा आदर सत्कार करना चाहिए मेहमान दा। पंडित जी जिस कम में सद दे ना सह कम करा फिर चल दे बना तुते। अरे आलू साहब तू बड़ा गुस्सा करा कर दे तू तो पजामे दे बार हो यार। बाबी जी तू समझान दे कहनी ना जो। अरे सुना वाला क्या सुनना मैं क्या सुनना बोल। हाँ भगवान बोल क्या बोल रही। मैं बोल रही ना कि भाई आज बांडे बोलने मत मार देना तो हाँ आज एक थिरु का रे पंडी हो रहा ना इन्हें ते मजवा लेंगे बांडे। मम्मी बाथरूम में ते ढेर सारे कपड़े पे आते ना साफ करवा लेंगे पंडी हो रहे थे। भाभी जी रहना दे यार मैं नहीं रुकना रात की है ना मुझे हूं याद आया कि गांव में ब्रोकरी का रिश्ता भी लाया तो इतने भी जाना पड़ना मुझे। महाराज टेमे का याद आई है तो उन्हें तो खरा स्वागत होना था रात तो मैं तू आलू कन्या रहिंदी बड़ी सुशील सुंदर तिना ना रिश्ता ठीक रहना तुहां दे गोल मटोल आलू ने। पंडित जी अपनी बरादरी दे रिश्ता करना हुंदा तां तुहां को सदने हे आपू नी कर लेना तां कोई इंटर कास्ट रिश्ता दसा ना तुहां। अरे भाभी जी तुहां तां बड़े अजीब माणू ने लोग अपनी बरादरी च रिश्ता तोपदे कहिंदे तुहां इंटर कास्ट मैरिज लाइए करवाण। पंडित जी कन्न खोली के सुन लिया बरादरी च रिश्ता नहीं करना हां तां नहीं करना। क्या दिक्कत है भाई साहब बरादरी तुम दसा क्या दिक्कत है। दाज नहीं देना चाहता कोई बरादरी बरादरी करी की बस फ्री जी शादी करना चाहते लोग। छे महीने तक नुलाई गुड़ाई की जो मैं कने इतनी महंगी खेत च खाद पाइयो ताज आई की ये दे आलू है ये कने तू हां बरादरी जदी गल करा कर दे और जितना मैं अपने जागते ताए खर्चा कित्या ना उसते दुगना दे चाहिदा मिंजो। मतलब कुछ ही राजा महाराजा दे खानदान ने दे बहु चाहिए तो आने हो जे ये तो आने मोटा दाज दे सकन है। हाँ बस सही समझ लिया तू। बैंगन दे बारे जे क्या ख्याल है तू हंदा बैंगन तो सही खानदान के आज जे फालतू की गल मत करा तू। अरे बेटा इस जी फालतू दी क्या गल बोली थी मैं इतना बढ़िया साई खानदान ची रिश्ता लाया तेरा करवाना बच्चा हैं कह तू बोला कर दा फालतू दी गल इस ची फालतू क्या आई है बच्चा। पंडित जी आहां जो नहीं करना बैंगने ना रिश्ता ना बैंगने रिश्ता कर की क्या करना बत्ते साइंगे फिर बच्चे पैदा होनी ना नहीं करना बैंगने रिश्ता ना नहीं करना। भाभी जी तुम्हें तो हिंगे गुस्से हो जा कर दे। अच्छा भाभी जी इं करा बैंगन भी रहना दिया तो हाँ फूल गोभी है ना रिश्ता रवाई ना मैं तो उन्हें जाग तेरा फूल गोभी तो ठीक है नहीं गोल मटोल आलू का है फूल गोभी के आलू का जोड़ी खूब जमनी। पंडित जी मुझे फूल गोभी है रिश्ता नहीं करना तो नहीं करना। अच्छा इन्या करा तो हाँ प्याज जी या मुनिया रिश्ता लवाई ना मैं तो ठीक रहना तो उन्हें जाग तेरा रिश्ता। पंडित जी कान खोले के सुन लिया प्याज जी ने अपने जागते का रिश्ता नहीं करना है। भाभी जी क्या बुराई है प्याज जी हैं तू हर चीज जो ना करा कर दे बुराई का दस्ता क्या है। पंडित जी तो पता ही है जाली मर्जी दे भाव बड़ी आंदे हैं ये दे भाव खाने वाले नू नहीं चाहिए आज
एक तो प्याज जिस घर चली जाती ना अच्छे खासे मन मेरे आईंदी से कन्ने से बदबू निकलना प्याज रिश्ता अपने जागते का पंडित जी है कर दे रहा ना कि काय दिया रिश्ता दसना कोई अरे बाबी जी तू तो इतने समझदार है अपने जागते रिश्ता भोकरिये ने कहीं करवाई दे पंडित जी कान खोल के सुन लिया विदेशी बहू ही चाहिए यहाँ जो जेडी बैठी की तू वहां पर रोक जमाए पता लगे महारानी तू मजे करा कर दी कहना मैं ब्याह उठी की झाड़ू पोछा कर रहा है ए दे बहू नहीं चाहिए विदेशी बहू तो बिल्कुल नहीं अरे भाई हम तो हद हो गए कोई रिश्ता बापू को पसंद नहीं है कोई माओ जो पसंद नहीं है कोई रिश्ता मनुए जो पसंद नहीं है मेरे दिमागे तो एकदम दही बनाई कहना मनुआ तू ही दसी दे बेटी जो कदे रिश्ता चाहिए कदे लड़की चाहिए दस पंडित जी बिंडिया साई चाहिए सेम बढ़िया मजाक कर लेंदा बच्चा तू पंडित जी मजाक नहीं करा करता मैं मुझे बिंडिया साई बेटी चाहिए ये तो कुछ ज्यादा ही हुई है जी मनुआ ये रिश्ता तो हो ही नहीं सकता कभी सुने हैं कि आलू का रिश्ता बिंडिया ने हो सकता क्यों नहीं हो सकती पंडित जी मेरे जागते रिश्ता बिंडिया का दसा तू क्यों नहीं हो सकता बाबी जी भिंडी एक सभ्य सुशील परिवार से आंदी भिंडिया की शादी सिर्फ अपनी बरादरी च ही आंदी इंटर कास्ट नहीं आंदी कदे भी कहने बाबी जी तुहां दे आलू बड़े तो कभी हो ही नहीं सकती सपने च मत सोच दे तुहां भिंडी कहने आलू का रिश्ता हो सकता ना भाई साहब भिंडी कहने आलू का रिश्ता क्यों नहीं हो सकता क्या बुराई आलू विच दसा तुहां भाई साहब बुरा मत मन दे पर आलू एक सस्ती गंदी घटिया कने करैक्टरलेस सब्जी है भिंडी बेचारी इतनी महंगी बोली वाली है कुसी ऊपर अख उठाई की भी नहीं दिखदी आलू वाला क्या है आलू तो जित्थु मर्जी गुजड़ी आंदा सर मत इदो है नहीं कल की बैंगना चिपकी आंदा कल की गोभी चिपकी है कल की आलू बड़िया ही हुई है सारे तो चिपकी आंदा सर मला जो इदो है नहीं मतलब जित्थु दिखा जित्थु मुंह मार लिया आलू में है बसरमियां दी आदत है इतनी आलू दी है कल की आलू गोभी मटर सारे ने चिपकी आंदा तुहांदे आलू दा चक्कर तो सारे ने ही चले होना मेरे साथे में तुहांदे आलू दा रिश्ता नहीं हो सकदा नहीं हो सकदा मतलब भाई साहब एक जमीन दे नीचे रहने वाली सब्जी ख्वाब आसमाना दे दिखदी ये तो हो ही नहीं सकदा कदे आलू दी तो भाई साहब जितनी बुराई की जाए उतनी घट है पापा क्या बोल रहा था पानी से रोक दे कर रुक बच्चा रुक एक मिनट रुक तू बिंदा बंद कर यार A few moments later